छिलके से खाना चाहिए। ड्रैगन को ना छिलके खाओ। किधर पे? बड़े मम्मी के घर पे जा रहे। वालेकुम अस्सलाम। तो माशाल्लाह मगरिब के बाद से हमारे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस आज का 20वां रोज़ा लग चुका है और हम लोग का सैरी करने का वक्त भी हो गया है, तो हम बैठे हैं यहाँ पर सैरी करने के लिए। तो आज सहरी में सालिहा ने बनाए हैं फ्लावर की भाजी, रोटी और इसमें है टमाटर की चटनी और वहाँ पे है दाल चावल। ठीक है, तो चलिए सैरी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सैरी करके हो गया और यहाँ पर देखिए दूध और रोटी भी खा रहा। आज मैं टोस्ट रखा हुआ था, मैं सोचा चलो आज टोस्ट खाया जाए। और हमारे अब्बू जान भी आ चुके हैं, शफीक भाई के घर पे हैं, तो आएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिला। भाई दूध और टोस्ट खा के तो आज मज़ा ही आ गया माशाल्लाह। तो यहाँ पर देखिए कुछ नज़ारे हैं जो कि पूरा सन्नाटा है। अभी तक कोई बाहर नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि अभी अजान भी नहीं हुई है और अपना सहरी का वक्त भी ख़त्म नहीं हो चुका है। तो हमारा सहरी करके हो गया और सालिहा क्या कर रहे थे? खाने का उठा रही हूँ। अच्छा, खाना सबको उठा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे अरहान बाबू सो रहे हैं और फातिमा भी वहाँ पर सो रही है। जरा सी लाइट चालू किया ना मैंने गाइस, तो ये बंदा ना उठ के बैठ गया था। तो हजरत सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है, आप सब सहरी करना बंद कर दे और आइए नमाज पढ़ने के लिए। चले चलते हैं, वजू कर लेते हैं गाइस। सालिहा ना बर्तन धो रहे हैं तो इसलिए अपन चलते हैं, आज मस्जिद में ही वजू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह अब्बा सो रहे, क्या बात है। तो गाइस ना आ गया फजर की नमाज पढ़ के और अब्बा भी आ गए हैं, थोड़ा लेट आए हैं तो इसी वजह से अब्बा सो गए हैं। यहाँ पर फातिमा उठ गई है, छोड़ दरवाज़ा बंद कर डालता, मच्छर बहुत आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। तो हमारी मॉर्निंग हो गई है और ना अभी 10 बज चुके हैं, मेरे दोस्त के घर पे काम है तो लिए चलते हैं कपड़े चेंज करके उनके घर पे। आज आधा दिन पड़ता है मेरी वीडियो में, ऐसे एंड तक बने रहना और मुलाकात करिए अब्बा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी याद आई तुम्हारी। माशाल्लाह, मेरा रान मिल गया। क्या बात है, मेरा रान मिल गया। ये खड़ा रान मिल गया। हां मैं आ गया। चलो दादा कहां थे तुम इतने दिन से? बाहर जाएगा। और अब्बा सब खैरियत? माशाल्लाह। कैसा रहा सफर? बहुत बढ़िया। कैसे रही मुलाकात? बहुत अच्छा माशाल्लाह। हमारे प्यारे सबने सलाम बोले ले। वालेकुम सलाम, आप लोग इतना याद कर रहे हैं हमारी YouTube की फैमिली। YouTube की फैमिली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आ गए? हाँ अब्बा आ गए। अब्बा की ना थोड़ी दिमाग की बत्ती लेट जलती है, इतने देर से बात कर रहे लेकिन अभी सलाम किया। और क्या करने, मुलाकात कर ली है दादू से? फोन आया था किसी का भी नहीं, तो चलिए काम का कपड़ा चेंज कर लेते हैं। तो गाइस मेरा कपड़ा पहन के हो गया, तो चलिए भाई यहाँ पर देखिए अब्बा ने ना पूरा जितना भी सामान है ना कोट वाले में पड़ा हुआ था सब कुछ निकाल के रख लिए हैं। और जहाँ पर मैं काम पे जा रहा हूँ ना वहाँ पर अपने को सिर्फ पतरा और डब्बा और ब्रश चाहिए, तो ऑलरेडी अब्बा ने हाँ ये वाला एक नंबर ब्रश निकाले अब्बा तुमने, थैंक यू सो मच। और ये दो पतरे और ये लो एक नंबर लो वाली बाटी लूँ। पर देखो हमारे दोनों बच्चे ना आ गए हैं, शुरुआत हो गई। ठीक है चलो चलिए चलते हैं और अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह बोल के काम स्टार्ट करते हैं। अल्लाह पाक हमारी रोज़ी हमारे कारोबार में बरकतें अता फरमा। और एक बात अब्बा से, अपन तो कल की स्टोरी आने की पूछे ही नहीं, तो क्या कहने हैं जनाब, कुछ अपनी स्टोरी सुनाइए जरा वहाँ से। यहाँ शाम को सुनाएंगे, आराम से शाम को आएंगे। चलो ठीक है, तो अब्बा शाम में आएंगे ना तो आराम से फुर्सत में बैठेंगे और आप लोगों को अब्बा की वहाँ से यहाँ तलक आने की कुछ स्टोरी सुनाएंगे, तो मेरी वीडियो में बने रहना एंड तलक स्टोरी सुनने के लिए। नाज़रीन आप सब देख सकते हैं हमारे एरिया का हाल, अभी देख लो इंशाल्लाह जब बन जाएगा ना तब आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मैं आ गया अपने इमरान भाई के घर पे। इमरान भाई कहाँ है? तो हम पहुँच चुके हैं साइड पे गाइस, तो आप लोगों को मैं पहले दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस कदर दीवार पे कलर मारने का है। तो देखिए ये कुछ ऐसी दीवार है यहाँ पर खड़गुड़ी, तो अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करने का, डायरेक्ट कलर मारने का, तो आप लोग पहले बिफोर देख लीजिए
फिर उसके बाद में कलर बांधने के बाद आप लोगों को आफ्टर दिखाऊंगा। हमारे इमरान भाई वीडियो में आना पसंद नहीं करते, तो इस वजह से उनको नहीं दिखाना पाऊंगा मैं, ठीक है। तो देखो कुछ ऐसा है, सिर्फ अपने को दीवार मारने का और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो चलिए चल हमारा ना यहाँ पे सफाई करके हो गया। और ये जो दीवार बनी है ना गाइस, ये ना पूरे खारे पानी की बनी है। अगर इस पर अपन भराई भी कर देंगे ना, तो ये 3-4 महीने के बाद पूरा वापस छोड़ देगा। तो इसी वजह से अपने को इसके ऊपर डायरेक्ट कलर मारने का, अब पूरा धूल मुँह के अंदर। चलिए अब चलते हैं हार्डवेयर पर माल लेकर आते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं हिम्मत अली दुकान पर माल लेने के लिए। हाँ 100 ग्राम परफेक्ट। उसमें तो गाइस हमारा माल बनके रेडी हो चुका है। तो ये जो अपना खड़बुड़ी दीवार है ना, उस पर मैं थोड़ा सा पतला माल मार रहा हूँ, क्योंकि ना इसमें पतला पतला माल पहले मारेंगे फिर गाढ़ा गाढ़ा माल मारेंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ इस कदर से अपना माल लग रहा है दीवार पे। तो गाइस यहाँ पर ना मेरा पूरा एक हाथ मार के कंप्लीट हो गया था। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ कि काले को हम लोग ने कैसे पिंक पिंक कर दिए हैं। तो देखिए कुछ इस कलर की दीवार लग रही है, माशाल्लाह एक नंबर लग रही है। और यहाँ से ना मैंने डबल हाथ मारना शुरू कर दिया हूँ। और ये हमारे इमरान भाई बैठे हैं। क्या बोलते हैं इमरान भाई, सब खैरियत? माशाल्लाह इमरान भाई वीडियो में नहीं आते, बोलते अगर वीडियो में लिया तो तेरा मोबाइल तोड़ दूंगा मैं, तो इसलिए गोप्रो थोड़े। चलो ठीक है, ये वाला हिस्सा तो डाल सकता हूँ ना मैं। अरे पब्लिक को मालूम पड़ना चाहिए ना कि मेरा दोस्त कौन है, किसी घर पे आया हो काम करने के लिए। पता चला मिस्टर इंडिया है, हवा हवा में काम हो गया, मालूम ही नहीं पड़ा किसी घर पे। हमारा पूरा यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग फाइनल लुक देख लीजिए कि कैसा लग रहा है। यहाँ पर मोरी थी, हमने मोरी को भी मार दिए हैं गुलाबी गुलाबी। और ये जो दीवार थी ना, तो ये दीवार ना क्या बोलते अपना वापस वैसी पूरी फूक के निकल रही है। होटिबल हाथ मारा उसके ऊपर ना, ये दीवार बहुत ख़राब है यार, इसको बना देना चाहिए अच्छी चीज़ एकदम फूक फूक के निकल रहा है। तो यहाँ पर देखें पूरी मस्त कंप्लीट हो गई है। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताना, बिफोर आफ्टर। तो यहाँ पर आके बैठा हूँ थोड़ा छाव में, क्योंकि सुबह से रेगुलर काम कर रहा हूँ ना। तो जो मेरा शोल्डर है ना, आप लोगों को पता है इधर पे पेन रहता ही है, तो कंटिन्यू बरस चलाता हूँ तो यहाँ पे दिखने लगता है, तो बहुत दुख रहा है। तो अभी बैठा हूँ, अभी पूरा काम फाइनल हो गया। हमारे अख्तर भाई बाजू में बैठे, और क्या बोलते हैं अख्तर भाई, सब खैरियत? तो अख्तर भाई बैठे हुए यहाँ पर, आके बैठा हूँ मैं थोड़ा छाव में। इन लोगों देखो घर में क्या मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पर ये पानी गिरा है इसने, अरे तुम्हें से गिरा क्या? मुझे लगा मेरे बच्चे ने गिराया। राम बाबू क्या हुआ, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ऐसा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अच्छे हो ना? अब्बू अभी आया काम पे से, सुबह से याद कर रहा था मैं अब्बू को। हाँ, और फातिमा तुम कैसे हो? गुड़िया खेल रहे। चलो ठीक है, तो गाइस चले नहा धो के फ्रेश होते हैं, बहुत थक गया यार, एकदम हालत ख़राब हो गई है। हाँ छुट्टी हो गई। तो गाइस मैं फ्रेश हो गया हूँ, और अभी चलते हैं वसीम भाई जहाँ पर काम कर रहे हैं ना, वो वाली साइड पे हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो उन्हीं के घर पे हमारा काम चल रहा है। चलते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ कि वहाँ पर वसीम भाई मुझे दोपहर में बोले थे कि उधर पर आना, डिज़ाइन वगैरह बनी हुई है साइड का। तो मैं सोचा भाई अकेले नहीं जाऊँगा, शफीक भाई को भी लेके जाऊँगा। तो हमारे शफीक भाई भी आ गए हैं, और हम लोगों ने वहाँ से ना कुछ सामान भी लेने का। देखो उमर ने रोज़ा रखा है। अरे बेटा रोज़ा लग जाएगा, जाओ घर पे। मेरे को नहीं लगता। हाँ क्या? ये देखो अपने दोस्त लोग के साथ यहाँ पर मैच वरदान बोलता वरदान रोज़ा नहीं लगता बोलता। तो हम लोगों ने वहाँ से ना समोसे की पट्टी भी लेने का। और माशाल्लाह आज ना हमारी इफ्तारी का जो है शफीक भाई के घर पर है, तो आज जल्दी जल्दी जाएंगे, सब सामान वगैरह सब ज़्यादा मतलब पूरे घर वालों को बुलाए हैं ना, तो जो भी सामान वगैरह है जल्दी जाके लेकर आ जाएंगे, क्योंकि तैयारी भी करनी है, ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा तैयारी करनी है। हाँ इसीलिए है ना, तो जल्दी 4:30-4:30 बजे चले जाएंगे अपन। यार मेरे को समझ में क्यों नहीं आता, मेरे मुँह से फड़फड़ क्यों निकलता, 4:30 बोल दिया मैंने। हाँ तो ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा सामान लगेगा ना, इसलिए आएँगे इफ्तारी में, कार्टिंग वेटिंग जो भी है साथ में लेंगे इंशाल्लाह, है ना। सारे अभी तो नींद आ रही सो गया है। हाँ चलो देखते हैं वसीम भाई और गुलाम भाई वहाँ पर क्या कर रहे हैं। देखो भाई हम लोगों को तो मालूम नहीं था, तो हम लोग ने गुलाम भाई को फ़ोन करके पूछे भाई कहाँ पर ये वाला पतंगा भाई नंबर लगता है। सर कलर बहुत अच्छा है,
तो यहाँ पर देखिए वही काम चालू है हमारे गुलाम भाई का। गुलाम भाई ने पहले गलत एड्रेस बता दिया था मेरे को, अभी सही एड्रेस हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। और क्या बोलते गुलाम भाई, एकदम मस्त में काम चालू है मस्त। अरे हमारे पाँव मस्ता किधर है देखिए ना, तो बाथरूम में बाथरूम में तो हम लोग साइड पे पहुंच चुके हैं गाइस। अरे वहाँ मेरी बाथरूम में क्या कर रहा दिया था। अरे भाई लोगे ना देख वैसे क्या बाथरूम में काम करो। अरे वहाँ मेरी वसीम भाई बाथरूम में घुस गए एकदम। क्या बोले भाई। अच्छा तो वसीम भाई यहाँ पर बाथरूम में काम कर रहे हैं और सब खैरियत है ना भाई। बस बस माशाल्लाह, चलो अच्छी बात है। कब तक होएगा गुलाम भाई फाइनल, लास्ट फाइनल है ना। बोलो खाने में जो फाइनल है चलो सही। देखिए एकदम मस्त प्यारा प्यारा कलर हो गया है यहाँ पर दीवार और सीलिंग है। देखो ये सफी भाई के घर का देख के इंस्पायर हो गए ना। जितने भी हम लोग मतलब जितना जो भी लोग कलर पास कर रहे हैं ना सब शफीक भाई के जो ब्लॉग में देखे बोले वैसे ही कलर चाहिए। हाँ तो वसीम भाई क्या फरमाइश की जा रही है। तीन तीन कलिंगड़ अखा वाला एकदम लालम लाल देख के। हाँ, और चार ड्रैगन ले लेना। चार ड्रैगन ले लेना, दो तो मेरा बेटा ही खा लेगा और एक मैं खा लूंगा। चार ड्रैगन, दो डब्बा कीवी का रहेगा उसमें आठ आएगा। हाँ। और दो डब्बा स्ट्रॉबेरी डाल के पानी में डाल के आधा घंटा पानी में भिगा के फिर खाओ तो अच्छा रहेगा। हाँ। ड्रैगन को तो फिर ये वसीम के वसीम ने साइंस पढ़ा है ना वसीम। हाँ। अरे सब रील्स पे देख के बोल रहा तो नहीं गाइस, तो मैं सही बोल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ। और ड्रैगन को कैसे खाना चाहिए। ड्रैगन को ना छिल के खाओ, अक्का मत खा लेना मालूम पूरा सही में खा। ड्रैगन का काटा बच जाएगा। चलो बता चलते रहते हैं आप लोग, ऐसे दिल पे मत लेना। तो हम लोग ना मार्केट में आ चुके हैं लेकिन आज ना हम लोगों को ज़्यादा क्या बोलते अपना इफ्तारी लेनी है क्योंकि पूरी फैमिली वाले आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कोई अच्छा। अरे वहाँ हमारे भाई मिल गए। भाई तुम धूप में क्यों यार? क्या बोलते भाई, तुम छाव में अच्छे लगते हो, उधर पहले खड़े रहो ना। अरे भाई क्या बोलेंगे यार, आज हम लोग जल्दी आए ना तो इसलिए मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। और क्या बोलते भाई, सब मजे में इतनी भीड़ नहीं है। अभी हो जावे भाई साहब, इंस्टाग्राम भी भाई सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं अभी इंस्टाग्राम। थैंक यू भाई हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, थैंक यू सो मच। देखते रहना वीडियो, ऐसे ही आपके भाई लोगों को प्यार सपोर्ट करना, आगे बढ़ाना। ठीक है, अरे हालत खराब। चलो भाई एक सब्सक्राइबर अपने वाले, क्या बोलते भाई समझे में। तीन सब्सक्राइबर बढ़ा दिया छोटू का, तीन सब्सक्राइबर बढ़ गए हम लोग के। हाँ देखो, तो हम लोग यहाँ से समोसा पट्टी लेने आए हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए थे मार्केट से और जस्ट अभी मैं घर पे आया और सालिया को, सालिया देखो बुरका वगैरह पहन रहे हैं क्योंकि आज हम सबको ना शफीक भाई के घर पे इफ्तारी की दावत है तो इसलिए हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। बोला सालिया को चलो, साढ़े चार बज चुके हैं। साढ़े चार कितने बज रहे चलो, हाँ चार बज के चालीस मिनट हो चुके हैं। बोला चलो बुरका वगैरह पहनो, तैयार हो जाओ, चलो उधर जाके बैठो आराम से। जो हमारे अरहन बाबू सो गए हैं और फातिमा तैयार हो गए ना पक्का। चलो ठीक है, सालिया फातिमा को लेकर उतर रहे हैं और मैं अरहन को ले लेता हूँ, ताला चाबी भी मैंने ले लिया। अरहन बाबू उठ गए, बेचारा सो रहा था ना, इसको नींद में से उठाना पड़ा। ए बड़बड़ी फातिमा, बड़बड़ी क्या बोल रहे तुम कब से। हाँ कहाँ जा रहे अपुन। हाँ किधर पे, बड़े अम्मी के घर पे जा रहे। अच्छा तो हम लोग बड़े अम्मी के घर पे जा रहे हैं। अभी आप लोग देखना अरहन का वहाँ पे एंट्री मारते साथ ना जो भोंगा डालेगा बंदा ये तो उसको ना मुझे लेके बैठना पड़ेगा। फातिमा तो माशाल्लाह सबसे घुल मिल गई है तो मस्त खेलती है सबके साथ में, लेकिन ये अभी इसको थोड़ा अब मुझे देखना। ये जो भाई है ना, अरे अरे किसी ने बोला है आओ चलो। अरे वाह फातिमा आ गई, अरे वाह यहाँ तो उल्टा सीधा हो रहा है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हो गया क्या हो गया। नहीं 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 देखिए चालू हो गया इसका। दोनों जन घुस गए मेरे पास, दोनों जन घुस गए। अरे थोड़ा छोड़ दो, दो मुझे थोड़ा छोड़ दो, थोड़ा छोड़ दो, जाओ अम्मा को पकड़ो एक जन। चलो फातिमा अम्मा को पकड़ो, दोनों अम्मा को पकड़ लिए यहाँ पे आते सब। क्या
अरे क्या बोलते हैं हसनैन भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या कर रहे हैं? ऐसा ऐसा कौन खेलता है? सो जा। ऐसे बच्चे लोग सोते ना बहुत अच्छा लगता है सीने में। तो हमारे बच्चे सब बैठे हुए हैं ऊपर, तो अभी हो गए हैं असर की अजान, हम लोग जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। भाई आज आमिर भाई एतकाफ में बैठ जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। वही थोड़ा जुब्बा पहन लिया माशाल्लाह। चलो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह रोज़ा खोलेगा ना? नहीं यार, ये सही बात है, बैठने का रोज़ा कहाँ खोलेगा? मस्जिद में। मस्जिद में, हाँ सब मस्जिद शहरी घर पे करता है लाजिम, अब सही वही मस्जिद में। पर्दा वगैरह सब कुछ लग गया? हाँ देखे, मैं भी देखूँगा। नौ जन को घसीटा मैंने। हाँ तुमने? अरे माशाल्लाह, नौ जन को लिया है। उनका सवाब भी तुमको मिलता रहेगा। क्या बात है, दो उम्र दो आज का सवाब मिलेगा एक दिन। चलो अच्छी बात है, पिछले साल से नियत नहीं मारो मेरी। हां क्या सही बात है, आज कबूल हो गए। वालेकुम अस्सलाम। तो माशाल्लाह मगरिब के बाद से हमारे अंदर जो गलती माफ कर, गलती माफ कर दो। अरे गले मिल दो भाई से, दो में याद है। नहीं नहीं भाई, तो इधर कब मजा आ रहा है? बहुत हो रहा है यार। इतना वाइट रहता ना बैठ गए हैं अभी। फातिमा देखो पहले रोजा खोलने बैठ गए। ये बेटा अभी अजान तो होने देते, भोंगा इनका बजने देते जरा। चलो पहले खोलने बैठ गए। चलो एक एक गिलास पहुंचाते रहो, एक एक गिलास आगे पहुंचाओ। गिलास चलो बच्चे, चलो सबके गिलास सबके आगे रखो, बच्चे नहीं पिएंगे तो बोल देना। नाम है कैसा? मतलब याद है? अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हम सब का तारीफ करते हो गया। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, सब साथ में थे, एक नंबर लगा, बहुत मजा आ गया। मिल गया क्या? तुमको ही मिला सबसे बड़ा? अरे माँ मेरी फातिमा सबसे बड़ा मिला, क्योंकि ये बंदी ने कुछ भी नहीं खाई है। लिया हाथ बड़ा दिखा 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 जरा। एक दिया पढ़ा मुंह में डाल के, अपन क्या बचपन में करते थे, एक लेते थे भाग के दूसरा लेने आते थे, वैसा मुंह में हाथ नहीं मिला, बोलता मुंह में है ना। तो गाइस हम लोग आ गए थे भाई के घर पे से, और मैंने जैसे कि मैंने सुबह में बोला था कि अब्बा की कुछ स्टोरी सुनाने के लिए, तो लेकिन अब्बा आए नहीं मेरे घर पे, तो इसी वजह से कुछ नहीं सुना पाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगा।